हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुप क्या होता है, उसमें अबेलिंग ग्रुप क्या है और साइक्लिक ग्रुप क्या है, उसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी हमने। आपको मैंने पहले बताया कि ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्ज़ाम में, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे सब ग्रुप क्या है, सब ग्रुप के बारे में बताइए, क्योंकि जो सबसेट होता है ग्रुप का, एक बार जैसे हम डिस्कस कर ही लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो जी हमारे पास कोई ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन डॉट, और इस केस में मान लो एच जो है वो जी का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो हम एच को सब ग्रुप कब कहेंगे। यहाँ पे दो एग्जिम्स होते हैं बेटा, मतलब यहाँ पे आप जैसे मान लो ए कब कहेंगे, जब ए और बी मान लो जब कभी भी हम दो एलिमेंट्स लेंगे एच के, सच दैट उस केस में दो चीज़ें होल्ड होनी चाहिए। पहली चीज़ कि जब भी ए और बी दो एलिमेंट लेती हैं एच के, तो उस केस में ए डॉट बी भी एच के अंदर होना चाहिए। पहली कंडीशन ये क्लोजर प्रॉपर्टी, और दूसरी कंडीशन के फॉर फॉर ऑल या फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एच, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सेंस एक ही बनती है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एच, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। या फिर इसको अगर थोड़ा फॉर्मली लिखना है, देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू एच सच दैट ए बी इज इक्वल टू, जो आइडेंटिटी है ग्रुप की, ई इज इक्वल टू बी ई। मतलब ये दो चीज़ें हैं, हर एक मतलब कि दो ये चीज़ें आपने देखनी है कि पहली तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, और दूसरा हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होता है अगर एच के अंदर ही, तब हम कहते हैं कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप होता है। इन दोनों को हम एक ही कंडीशन में रैप अप कर सकते हैं, ए और बी जब भी हम दो एलिमेंट लें सबसेट एच के, दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो ये कंडीशन जो है दिस इज सफिशियंट इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है। और आगे हम बात करते हैं, कई बार आपको पूछ लिया जाता है मल्टीप्लिकेटिव टेबल बताइए, किसी ग्रुप का मल्टीप्लिकेटिव टेबल बनाना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो हमारे पास एक ग्रुप है ये, क्योंकि तो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, हम ग्रुप लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़, तो जी जो है उसमें वन आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये जो सेट है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा। और अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव टेबल बनाना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है फाइंड या लिस्ट द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ विच इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, तो जैसे ये ग्रुप है इसका ऑर्डर 3 है। अब ऑर्डर क्या होता है, जितने एलिमेंट्स होते हैं किसी ग्रुप के अंदर वो उसका ऑर्डर होता है। और इसमें जो है इसका जब हमने टेबल बनाना है, तो इस केस में आपको इनके एलिमेंट्स का ऑर्डर भी पता होना चाहिए, आपने पहले किया भी हुआ है, फिर भी एक बार, जैसे ए कोई एलिमेंट है जी का, तो हम ऑर्डर ऑफ ए कैसे डिफाइन करते हैं, इफ़ देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर एन सच दैट ए को हम अगर एन टाइम्स रिपीट करें उस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर और ई आ जाए हमारे पास, तो हम कहते हैं कि जो ये एन है वो ए का ऑर्डर है। हम इस तरीके से लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। तो जैसे इस केस में एक चीज़ आपने अलग से समझनी है कि जो आइडेंटिटी होती है किसी भी ग्रुप में, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा वन होता है। ऐसे अभी हम ऊपर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये वाला ग्रुप ले रहे हैं जी, तो इसके केस में जो ओमेगा है, हमें पता है ओमेगा को जब हम दो बार लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वेयर आना है, ओमेगा को तीन बार लिखेंगे तो वन आना है। इस केस में वन इस ग्रुप की आइडेंटिटी है, तो ओमेगा को तीन बार लिखने पर वन आता है, इसका मतलब जो ओमेगा का ऑर्डर है वो थ्री है। सिमिलरली ओमेगा स्क्वेयर को दो बार जब लिखेंगे तो वो ओमेगा की पावर फोर आता है, विच इज़ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब वन है तो ये ओमेगा आएगा, मतलब ओमेगा स्क्वेयर को दो बार लिखने पे ओमेगा आएगा। जब हम ओमेगा स्क्वेयर को तीन बार लिखेंगे, यहाँ पे ओमेगा स्क्वेयर को तीन बार लिखेंगे तो ओमेगा सिक्स आएगा, ओमेगा सिक्स मतलब ओमेगा क्यूब का स्क्वेयर, विच इज़ वन का स्क्वेयर विच इज़ वन, मतलब ओमेगा स्क्वेयर को जब हम तीन बार रिपीट करते हैं तो वन आता है, तो इसका मतलब थ्री जो है वो ओमेगा स्क्वेयर का ऑर्डर है।
बेटा इसकी डेफिनेशन जो है, यहाँ पे हम जब डेफिनेशन की बात कर रहे थे कि ए जी का कोई एलिमेंट है एन को ऑर्डर कब कहेंगे, ये जो एन नेचुरल नंबर है वो लीस्ट भी होना चाहिए, इस चीज़ को आपने समझना है। इफ़ देयर एग्जिस्ट द लीस्ट नेचुरल नंबर एन, ऐसे इस केस में हम देखते हैं कि ओमेगा का जब क्यूब करते हैं तब भी वन आता है, अगर ओमेगा की पावर 6 करेंगे तब भी वन आएगा, लेकिन ओमेगा ये 3 लीस्ट है यहाँ पे, सच दैट ओमेगा की पावर 3 की तो वन आया, दिस मीन्स ओमेगा का ऑर्डर कितना है वो 3 है। और जैसे ओमेगा स्क्वायर के केस में, ओमेगा स्क्वायर के केस में 3 लीस्ट है क्योंकि 3 से पहले वन नहीं आता, ओमेगा स्क्वायर को एक बार लिखोगे ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर को दो बार लिखोगे तो ओमेगा की पावर 4 आएगा, ओमेगा स्क्वायर को जब 3 बार लिखते हो तभी वन आता है। ऑब्वियसली जब ओमेगा स्क्वायर को, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जब हम अगर ओमेगा स्क्वायर को 6 बार भी लिखते हैं तब भी वन आना है, लेकिन 3 बार लिखने पे ये लीस्ट नेचुरल नंबर है सो दैट वन आता है, दिस मीन्स ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर कितना है 3। वन का ऑर्डर वन क्योंकि आइडेंटिटी है, उसका ऑर्डर वन ही रहना है, ओमेगा का ऑर्डर भी 3 है, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी 3 है। तो जब हमने मल्टीप्लिकेटिव टेबल बनाना है उसको हम समझते हैं, मल्टीप्लिकेटिव टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, जब किसी भी ग्रुप का बनाना होगा जैसे वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का बनाना है, यहाँ पे वन लिखेंगे, यहाँ ओमेगा लिखा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिखा, ऐसे इस साइड पे भी वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख देना है, ये हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, और क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, और मल्टीप्लिकेटिव टेबल बनाने के लिए हम इस तरीके से ये जो टेबल है उसको ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि वन को वन पे से मल्टीप्लाई किया वन आया, तो यहाँ वन आ जाएगा, ओमेगा को वन से मल्टीप्लाई किया ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर आएगा, सिमिलरली वन इंटू ओमेगा ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा 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 स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करेंगे तो ओमेगा क्यूब विच इज़ वन, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब विच इज़ वन हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ओमेगा की पावर 4, लेकिन अभी आपने हमने समझा था ओमेगा की पावर 4 का मतलब क्या ओमेगा है। सो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव टेबल आ गया, किसका, जो हमारे पास ग्रुप था विच इज़ द ग्रुप ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेटिव टेबल बनाना होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव टेबल बनाने की। जैसे हमारे पास केस है, एक साइक्लिक ग्रुप लेते हैं जी विच इज़ ई ए ए स्क्वेयर ए क्यूब, दिस इज़ द साइक्लिक ग्रुप जो कि इसको हम लिखेंगे, दिस इज बेसिकली द सेट, इसको हम लिखेंगे सेट है, साइक्लिक ग्रुप है जो कि ए से जनरेट हुआ है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव टेबल बनाना होगा तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन है, इस तरफ हम ए लिखेंगे, सॉरी ई से शुरू करेंगे बेटा, पहले हम ई लिखेंगे, फिर ए आया, फिर ए स्क्वेयर आया, फिर ए क्यूब आया, इस तरफ भी ई ए ए स्क्वेयर ए क्यूब, फिर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे, और इसमें थर्ड रो आएगी, कॉलम, यहाँ पे आपने लिस्ट कर देना आपने टेबलर फॉर्म में इन एलिमेंट्स को, और फिर हमने इसमें कैलकुलेशन कर लेनी है। तो ई को जब हम ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आता है, ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर, अच्छा ई को ए स्क्वेयर से करेंगे तो ए स्क्वेयर आ गया, यहाँ पे ए क्यूब, सिमिलरली ए यहाँ पे ए स्क्वेयर यहाँ पे ए क्यूब, ये एलिमेंट्स तो फटाफट निकल आएंगे। अब ए को ए स्क्वेयर ए से करेंगे तो ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर से को ए से मल्टीप्लाई किया ए क्यूब, यहाँ पे ए की पावर 4, ए को जब ए स्क्वेयर सॉरी यहाँ पे ए है यहाँ पे ए स्क्वेयर है, ए को ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब, ए स्क्वेयर को करेंगे तो ए की पावर 4, यहाँ पे ए क्यूब को ए स्क्वेयर से करेंगे तो ए की पावर 5। एक सेकेंड यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो, क्योंकि ये ग्रुप है ऑर्डर 4 का, इसका मतलब ए को जब 4 टाइम्स लिखते हैं, चार ऑर्डर का ग्रुप है हमारे पास, ए से जनरेट हुआ है, इसका मतलब ए की पावर 4 आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे जब हम ए की पावर 4 लिख रहे हैं, इसको लिखने की ज़रूरत, यहाँ पे सीधा सीधा हम ई लिखेंगे, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ई आ जाएगा, और इस केस में ये ए क्यूब इंटू ए का स्क्वेयर ए की पावर 5 होगी। अब ए की पावर 5 का मतलब क्या है, ए 4 इंटू ए, ए की पावर 4 तो ई है, सो दिस इज नथिंग बट ए ओन ओनली ए, सो यहाँ पे ए आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे ए की पावर 5 मतलब ए आएगा, यहाँ पे ए की पावर 6 मतलब ए स्क्वेयर आएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव टेबल फॉर दिस ग्रुप विच इज़ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, थैंक यू।